वेलकम टू फुरकान टीवी। आज हम आपकी खिदमत में दिलचस्प अजीब सिलसिले में हाजिर हुए हैं। आपने ये तो बहुत देखा और सुना होगा कि बाज़े लड़के और लड़कियों की मंगनियां टूट जाती हैं, रिश्तों से इनकार हो जाता है, एक दूसरे को मुस्तरद कर दिया जाता है। कभी खानदानों में फैमिलीज को लड़का पसंद नहीं आता और कभी लड़के वालों को लड़की पसंद नहीं आती। आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जिनको दो या दो से ज्यादा दफा इनकार हुआ हो, हद 5 दफा तक वाले देखे होंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा, सुना भी है कि रिश्तों में इनकार की बड़ी वजूहात में शामिल एक ऐसा शख्स भी है कि जिसे 1, 2, 10, 20, 100, 150, 2000 दफा नहीं बल्कि इकट्ठा 80,000 मर्तबा, जी हां 80,000 मर्तबा रिश्ते से इनकार सुनना पड़ा है। आप हैरान होंगे, इसकी तफसीलात मैं आपको अर्ज कर दूं। चीन में एक ऐसा शख्स भी है जिसको 100 या 1000 नहीं बल्कि इकट्ठा 80,000 मर्तबा लड़कियों की जानिब से शादी से इनकार का सामना करना पड़ा है। 31 साला नायो जियांग फेंग का दावा है कि गुज़िश्ता 8 बरस में 80,000 ख्वातीन उनसे शादी से इनकार कर चुकी हैं। 2013 में अपने वालिद के इंतकाल के बाद नायो ने घर बसाने का इरादा किया और पहले ही मरहले में वो सड़क पर तलाश रिश्ता के एक इश्तिहार के साथ नजर आए, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद से उन्होंने इंटरनेट का सहारा लेने का फैसला किया और शादी की वेबसाइट्स और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर खवातीन से राब्ता किया। नायो जियांग फेंग ने बताया है कि वो एक मुनासिब खातून की तलाश में है और गुज़िश्ता 8 बरस से उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद 60,000 से ज़ायद ख़वातीन से मिलने और बात करने की ख्वाहिश जाहिर की, तो उनमें से कई ख़वातीन ने जवाब नहीं दिया और कुछ ख़वातीन ने उनसे मजीद बातचीत जारी रखने से इनकार कर दिया। कुछ ने उनसे मुलाकात के बाद अपना इरादा चेंज कर लिया। उनके मुताबिक आज की ख़वातीन अपने शरीक हयात के तौर पर वजीह, खूबसूरत और दराज कद वाले साथियों को पसंद करती हैं और वो इतने पुरकशिश नहीं बल्कि बदसूरत और छोटे कद वाले हैं, इसीलिए अब तक कोई खातून उनसे मुतासर नहीं हो सकी। दूसरी जानब वो वाली तौर पर भी मुस्तहकम नहीं। चीनी ज़राए अबलाग ने इनके दावे पर एतबार न करते हुए बार बार उनसे पूछा है कि आया वो वाकई हजारों दफा मुस्तरद किए जा चुके हैं, क्योंकि 60,000 ख्वातीन की जानिब से मुंह फेरने का दावा बहुत गैर मामूली है। जवाब में नायो का कहना है कि उन्होंने ऑनलाइन 60,000 ख्वातीन से राबता किया जिनकी अक्सरियत ने उन्हें जवाब ही नहीं दिया और बाकी ने मिलने से इनकार कर दिया, जबकि 20,000 ख्वातीन से बराह रास्त बात करने का तजर्बा भी नाकाबले यकीन है। चीनी सोशल मीडिया पर लोगों ने तबसरा करते हुए कहा कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि यह शख्स सिर्फ इसलिए ऐसे बयान दे रहा है ताकि उसे मीडिया की तवज्जो मिल सके, जो उसे मिल गई है और इसमें वो कामयाब रहा है। हम कोशिश करते हैं कि ऐसे ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आपकी खिदमत में पेश करें। अगर आप ऐसे ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।